नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार। आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त प्रियंका। सबसे पहले दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से, और सेफ दिवाली मनाइएगा, अच्छी दिवाली मनाइएगा, सुरक्षित दिवाली मनाइएगा। तो आज है बड़ी दिवाली का दिन, यानी कि 14th of November है आज, और मैं आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। टाइम हो चुका है 10 बजे का, तो 10 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है। अभी हमारा नाश्ता ख़त्म हुआ है, बर्तन अभी भी पड़े हुए आप देख रहे हो पीछे। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द किचन एंड लेट्स होप कि ब्लॉग अच्छा जाए और आपको इन्जॉय कराऊँ मैं इस ब्लॉग के ज़रिए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शेफ बाय हार्ट। सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या है आपको पता ही है, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके साथ जो 3 ऑप्शन आते हैं ना, उसमें पहले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा प्लीज़, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके फ़ोन में। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। मेरे किचन का काम फिनिश, और अब मैं आ गई थी छत पे, थोड़े कपड़े सुखाने थे, और नहाने के बाद से हेयर वॉश किया था लेकिन झाड़ने का टाइम नहीं मिला था। तो अभी आके छत में मैंने बाल झाड़े हैं, थोड़ी देर में छत में रहती हूँ, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ ना, जब मैं छोटी थी, दिवाली ना मेरा बहुत फेवरेट वाला जो फेस्टिवल होता है ना, उनमें से एक है। बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दिवाली। तो मैं पता क्या करती थी, हमारे घर में जहाँ पर कूलर रखते हैं ना, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था, तो मैं ना वहाँ पे अपना मंदिर अलग बनाती थी। मतलब जो पुराने वाले भगवान जी होते थे ना, जो पिछले साल के गणेश और लक्ष्मी जी की स्टैचू होती थी, वो वहाँ पे लगा के धूप बत्ती फूल अच्छे से सजाती थी उसको ना, कि वो ये मेरा मंदिर है। मैं छोटी थी उस टाइम ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, और मम्मी पापा भी मना नहीं करते थे कभी। वैसे एक घर में 2 मंदिर बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था इतना सब, और मम्मी लोग भी मना नहीं करते थे मुझे। तो ना एक मिनट में बैठ जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था दिवाली फेस्टिवल, अच्छा लगता था क्या, मतलब अच्छा लगता है अभी भी। और एक अलग सी एक एक्साइटमेंट रहती है ना दिवाली के लिए, कि क्या करना है। मुझे रंगोली बनाने का बहुत शौक है, मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ एवरी दिवाली, आज भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मुझे बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रंगोली। और मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने पहन रखा है अभी रैप अराउंड, जिसको हम कहते हैं लुंगी। तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ये गर्म वाली लुंगियाँ हैं, तो अब पहननी स्टार्ट कर दी मैंने। तो आज रंगोली शेयर करूँगी आपके साथ। और एक अलग सी डिश बनती है हमारे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं फीनी रोटी। तो फीनी रोटी मैंने आधी बना ली थी कल, और क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो आधी कल बनाई थी, आधी आज बनाऊँगी दिन में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कल या परसों आने वाली वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर अपने घरों में, बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर बैठूंगी मैं अभी छत में, उसके बाद मम्मी के साथ मैंने कहीं जाना है, मतलब यहीं पास के मार्केट में जाना है, तो फिर मिलूंगी मैं आपसे टाइम टाइम पे, दिन में मिलते रहूंगी। बच्चे नीचे ही है, मैं अकेली बैठी हूँ अभी छत में, तो थोड़ी देर बैठती हूँ मैं यहाँ पर। एडी, हाय,
क्या कर रहे हो? मैं देख नाटक। क्या आ रही है? बाय। हेलो, मैं आ गई हूँ घर। मैं गई थी मम्मी के साथ शॉपिंग करने बंजारवाला मार्केट, और शॉपिंग में मम्मी ने लिए अपने लिए शूज़, गर्म शूज़। मम्मी ने पहली बार शूज़ लिया है, वो पहनते नहीं है शूज़ तो। और ये देखो मेरा मास्क, मैं मास्क लेके आई। और मम्मी अपने लिए सॉक्स लेके आई, एक शर्ट भी लिया मैंने। तो थोड़ी सी शॉपिंग थी बस, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको। और अब बज रहे हैं दिन के 12:30, और मुझे बनाना है खाना प्लस फिनी रोटी प्लस रंगोली। तो मैं चाहती हूँ कि शाम के 6 बजे तक तो मेरा सारा काम निपट जाए, क्योंकि उसके बाद फिर दिवाली शुरू हो जाती है। मतलब तैयारियाँ वगैरह, प्रसाद वगैरह भी बनाना है और तैयार भी होना है। तो इसलिए मैं अब आपको छोटी छोटी क्लिप्स में दिखाऊंगी मेरा बाकी का पूरा दिन, और फिर मैं आपसे सीधा रात को मिलूंगी दिवाली पर, मतलब शाम को मिलूंगी लाइटिंग्स वगैरह के साथ, अच्छा लगेगा। तो देखते रहिए मेरा आगे का ब्लॉग और एंजॉय करते रहिए। बन चुका है मेरा खाना। खाने में बना है आज आलू बड़ी तरी वाली, और ये है रोटियां, और ये है राइस। तो अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको रंगोली में। रंगोली बन चुकी है, मैंने आपको दिखाया कैसा लग रहा है। और काफ़ी रात हो चुकी है, रात में एक्चुअली अभी 6:15 हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा इतना हो गया जैसे रात हो गई है। तो अब हम तैयारी करेंगे पूजा की। मैं होंगी तैयार, बच्चों को करती हूँ तैयार, और पूजा की तैयारी करते हैं। लाइटिंग्स बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पर, देखो। तो अब मैं जाती हूँ ऊपर, मैं आपको लाइटिंग्स दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी, और अब मिलूँगी सीधे आपको लक्ष्मी पूजा पर। बाय बाय। Thank you.
यहाँ लग चुका है सबका प्रसाद। प्रसाद में है मिठाइयाँ, फीनी रोटी, सील रोटी और खील बताशे खिलौने। तो अभी मम्मी जाएंगे सबको बांटने के लिए, मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। तो दिवाली पूजन हो चुका है हमारा और प्रसाद भी मम्मी चले गए हैं बांटने के लिए सब जगह। और पीछे बहुत सारे प्रसाद वगैरह रखे हुए हैं तो थोड़ा मैसी लग रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए, आ जाओ। तो अब हम करते हैं व्लॉग का एंड यहीं पर और मैं यहाँ फोयर भी दिखा देती हूँ आपको अपना। तो व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है। अब हम बस थोड़ी देर पटाखे जलाएंगे, वो भी पता नहीं जलाएंगे कि नहीं क्योंकि बच्चे जल रहे हैं। तो थोड़ी देर चलते हैं छत पे, पटाखे जलाते हैं, उसके बाद में ब्लॉग का एंड। हैव अ हैप्पी एंड सेफ। पटाखे नहीं जलाना। ओके, हम पटाखे नहीं जलाएंगे है ना, क्योंकि एडी डर रहा है ना, एडी को डर लगता है ना, बोल दो हम नहीं जलाएंगे, बोल दो हम नहीं जलाएंगे, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। कैसे डरते हो आप? तो चलो अब हम चलते हैं छत पे। चलो चलो दिवाली बोलो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।